प्रियंका, हम अपनी अपनी नौकरियों के कारण माँ का ध्यान नहीं रख पा रहे। मैं सोच रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दे, वहाँ उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हम समय समय पर जाके उनसे मिलते रहेंगे। पैसा कमाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीर्वाद जितना मिले उतना कम है। पैसे से ज्यादा उनको हमारा संसार जरूरी है, और मैं अगर नौकरी नहीं भी करूंगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी और मैं घर पे ट्यूशन पढ़ा लूंगी, इससे मैं माँ के साथ भी रह पाऊंगी और उनकी देखभाल भी हो जाएगी। याद करो, बचपन में ही तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारी माँ ने घरेलू कामकाज करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा पालन पोषण किया, और कभी उन्होंने तुम्हें पड़ोसन के पास भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छे से नहीं कर सकता। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो? तुम कुछ भी कहो, माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे बेटी नहीं थी और इस कारण मैं तुझे कितना ही भला बुरा कहती रहती थी, पर आज तूने मुझे ऐसी भाग्य लक्ष्मी दी है जिसका आभार मैं कैसे मानूं। हे प्रभु, ऐसी बहू पाके तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। माँ जी। हाँ मेरे बच्चे।